और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे अपने भाई का। कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे? सच्ची सच्ची बताना, कर रहे थे ना वेट? फिलहाल जो भी हो, देखो यार, अब तुम्हारा भाई वापस आ चुका है और अब ऑलमोस्ट रोज़ वीडियो आएगी। लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात जो है वो ये है कि फाइनली एक लंबे चौड़े इंतज़ार के बाद तुम्हारा भाई अब फेसबुक पे आ चुका है। समझ रहे हो ना? मतलब तुम लोग बहुत बार मेरे से पूछते थे फार ऑफ या फिर जी गुरुजी क्या तुम फेसबुक चलाते हो, और मैं कहता था नहीं, मैं नहीं चलाता। लेकिन अब फाइनली हम आपको फेसबुक पे भी मिलेंगे। तो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना, सबसे टॉप पे मेरी फेसबुक पेज की लिंक पड़ी हुई है, जाओ उसे फॉलो करो, लाइक करो, जो करना हो करो, मुझे नहीं पता उस पे क्या होता है, लेकिन जाके करो। कुछ दिन बाद तुमको उस पे एक्सक्लूसिवली वीडियोस मिलेंगी, तो भाई मजा ही मजा है तुम्हारे लिए, मैं और कुछ नहीं बताना चाहता। क्या तो जाओ उस पेज को लाइक या फॉलो जो भी करते हैं कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह मिल जाएगी। अब बात करते हैं जरा इस गेम प्ले की। तो देखो मेरे भाई, मैं जा रहा था मिलिट्री के बेस के पास, क्योंकि देखो हमारा टीममेट कहीं दूर उतरा था, नो वो खाली हो चुका था कि तभी मेरे को हल्का सा एक फ्लैश दिखाई दिया, मजल फ्लैश गन का, और यहाँ पर किसी ने किसी बॉट को मारा था। तो मैं एक बात तो जानता था कि यहाँ पर दो बंदे होंगे, क्योंकि हम डुओ खेल रहे थे, तो वो कहीं पर भी हो सकते थे टीपी लिए हुए। तो यहाँ पर मैं बहुत बच के जा रहा था कि तभी मेरे को एक बॉट दिखा। अब मैंने बॉट को मार दिया लेकिन मेरी पोजीशन चली गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बंदा ऑफलाइन था। अब यहाँ पर मैंने उसको फिनिश नहीं करा, मैंने उसको बनाया चारा। अब हुआ ये कि मैंने उसको चारे की तरह छोड़ दिया, और वो बंदा यानी कि इसका टीममेट है यहाँ पर बकरी। अब बकरी चारा चरने आएगी और मैं करूँगा उसका शिकार, लेकिन बकरी खुद सो रही थी, तो मेरे पास पैन नहीं था। यार पैन क्यों नहीं था मेरे पास, लेकिन जो भी हो, यहाँ लात घूसों से भाई की हजामत करी और इनको मैंने फिनिश कर दिया। भाई गजब की लूट मिली मेरे को। लेकिन उसके बाद मैं जा रहा था कोचिंग की, तभी टीममेट ने बोला हेल्प। अब टीममेट ने हेल्प बोला है तो हम तो हेल्प करने जाएंगे, लेकिन जब मैप खोल के देखा तो टीममेट कहाँ कन्याकुमारी में घूम रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाड़ी चेंज करी, जैसी गाड़ी चेंज करी मेरे को एक दिखाई दी फ्लेयर। अब अगर मेरे सामने फ्लेयर है और एक टीममेट जोन के बाहर है तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई? ऑफकोर्स फ्लेयर पर जाऊँगा, वहाँ गन्स मिलेंगी, बंदे मिलेंगे जो मेरे को चाहिए है। हाँ टीममेट तो वैसे भी तुम तो खुद ही मेरे को छोड़ गए थे ना, तो मैं क्यों आऊँ? तुमने मेरे को क्यों अनफॉलो किया था? फिलहाल जो भी हो, मैं जा रहा था ड्रॉप पे एकदम तेज़ी से, क्योंकि मैं किल्स जाने नहीं दे सकता था। लेकिन तभी हमारी गाड़ी पलट गई और हमारा हो गया एक्सीडेंट। अब देखो जरा, जा कह रहा हूँ फ्लेयर ड्रॉप पे, ड्रॉप पे नहीं जा रहा, फ्लेयर ड्रॉप पे जा रहा जहाँ दो बंदे तो गारंटीड है। हेल्थ कितनी है? 50%। गाड़ी कौन सी है? बगी। भाई अगर यहाँ मैं बचता हूँ ना तो भाई भगवान भरोसे हूँ मैं, क्योंकि भाई साहब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की बिना हेल्थ लगाए। लेकिन ऊपर मेरे को एक बंदा दिखा, इससे पहले कि मैं फायर करता उसको साइड से पड़ी और वो बंदा ठोक दिया गया। अब मेरे पास एक मौका था, बट जब तक मैंने एम करा वो फिनिश हो चुका था। लेकिन जिसको उसने मारा उसका मेरे को पता नहीं, बट मैंने किसी को नॉक जरूर करा। ओहो मेरा भाई कितने एफर्ट्स डाल रहा था इतनी दूर जाने के लिए। हाँ मैंने आराम से उसको डैमेज दिया, इसके टीममेट की मैं चाट पकौड़ी बना देता, बट प्रॉब्लम ये है यार कि उसने स्मोक कर रखा था, समझ रहे हो ना। लेकिन मैंने एक बार नोटिस कर ली कि वो बंदा खड़े होकर पीक दे रहा है, इसका सीधा सा मतलब है उसके पास स्नाइपर है, और अगर K9 भी हुई तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगा बिकॉज मेरे पास लेवल 2 हेलमेट है। लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत सारा डैमेज दिया, डरा दिया, और यहाँ पर मेरा लक देखो, एक और टीम उधर आ गई। अब यहाँ पर मैंने उसको और सप्रेस्ड करा दूसरी तरफ, क्योंकि मेरे को गाड़ी लेने जाना था, तो वो इस टाइम था ड्रॉप के पीछे, तो मैं यहाँ पर गाड़ी तक आ गया। लेकिन उस हरामखोर ने पता नहीं कैसे मेरे को देख लिया, मेरे ऊपर दो तरफ से फायरिंग हुई और मेरी गाड़ी फोड़ दी गई। अब देखो यहाँ पर उसके पीछे बैक स्टैब हो चुका था और मैं आ गया पत्थर के पास, लेकिन मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ जबकि वो मेरे पर स्प्रे दे रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने फायर दिया, मुझे पता था अगर मैंने उसको गोली छुलाई तो वो प्रोन होगा, वो प्रोन हुआ, उसका एंगल कटा, और जैसे ही एंगल कटा मैंने फौरन दौड़ा। तुम एक बार जाके पीछे देखना, मैं उसी टाइम दौड़ा जैसे वो प्रोन हुआ डब्बे के पास जाके। अब मेरा प्लान ये था कि मैं पैदल जा रहा हूँ इतनी दूर, तो सीधी सी बात है मेरे को एक बहुत अच्छा फ्लैंक करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी किल्स भी जाने नहीं दे सकता था, तो मुझे उस बंदे को बचाना भी था जिससे मैं लड़ रहा था दूसरी वाली टीम से, मतलब ऑफकोर्स मुझे मारना था उसे। अब सामने वाली टीम भली गाड़ी से आई उसको मारने, लेकिन उसकी किल मैंने निकाल दी। अब बारी इन दोनों की थी, सालों मेरी किल चुराओगे तुम, मेरी गिल चुराओगे जी गुरुजी की, एक को मैंने ठूस दिया, बारी दूसरे की थी लेकिन वो था कहाँ, आई डोंट नो, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और अच्छा फ्लैंक मारने गया और अपने टीममेट भी आ गया, तो थोड़ा सेफ सेफ महसूस कर रहा था। लेकिन
इसका एक नुकसान भी है। अगर आपका टीममेट आसपास रहता है तो आपकी किल उठा लेता है, जो मेरे केस में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके तो यहाँ पर मैं टीममेट को बिल्कुल नहीं बताया कि वो बंदा कहाँ है, क्यों है, बताता भी कैसे माइक बनता। मैंने अंदर रश करा क्योंकि इस स्मोक के पीछे ड्रॉप था, ड्रॉप के पीछे होगा वो, कहते ही इजी किल, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत इजी किल थी। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं लूट रहा था, मेरे को मिली एम के क्या ही चलती ऑटो पे। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर मेरे को पता था कि ड्रॉप में एक और गन होगी, है ना, क्योंकि एमके के साथ ज़्यादातर ऑग या फिर ग्रोजा आती है, ऑफकोर्स यही है ये। तो यहाँ पर ग्रोजा थी, मैंने नहीं ली, मैंने टीममेट के लिए छोड़ दी, लेकिन तभी फायर हुआ। भाई फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, गलती से एफपीपी दबा, यहाँ पर जॉयस्टिक मेरे से छूट रही थी या लॉक हो रही थी, लेकिन क्योंकि मैं ढाल था तो मैं थोड़ा सा बच गया स्मोक की वजह से भी। अब यहाँ पर वो बंदा मैंने कम्प्लीटली मिस कर दिया था अपने लेफ्ट जाता हुआ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता थी, बंदा एग्जैक्टली कहाँ वो नहीं पता था, लेकिन उसने खुद ही अपनी पोजीशन दे दी। अब यहाँ पर हम दोनों फ्लैंक कर रहे थे, ठीक। अब बात ये थी कौन कितना अच्छा फ्लैंक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर हम दोनों ने देख लिया, तो अब बात आ गई थी स्किल्स, एम और गन, और तीनों ही चीज़ मेरी बेटर थी। तो भाई को ठोक गया, इनके टीममेट को मैंने नहीं ढूंढा बिकॉज बहुत टाइम लगता उसमें, तो मैंने उठाया अपने टीममेट को गाड़ी में, उसको भरा और सीधे हम गटका आए, और यहाँ पर दो बंदे। वेल देखो यार, मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आती, एक बंदा उछलता है, दूसरा मारता है, मैंने एक गोली मार के रुक गया था मैं, लेकिन जब उसका टीममेट फायर करने लगा मेरे टीममेट पे तो मैंने उसको नॉक कर दिया। मुझे पता नहीं था ये बंदा यहाँ होगा, है ना, मैं उम्मीद कर रहा था कमरे के अंदर होगा, लेकिन मेरा जो प्रीनेड था उसकी वजह से वो बंदा खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला था, आई डोंट नो, मैं भूल गया यार, कितना याद रखूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं जा रहा था कि तभी एक गाड़ी आई, मेरे पास MKAWM का कॉम्बिनेशन था, मतलब फिर भी किसी तरीके से रीलोड खेल खेल के मैंने दोनों को ठोक दिया और उनको लॉबी भेज दिया, वो मैच स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी मेरे को एक गाड़ी का साउंड भी आया था जब इन्होंने रश करा था, सो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पर और भी बंदे होंगे, बट मेरे को कोई दिख नहीं रहा था, कोहरा भी हट गया, मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई, तभी मेरे को कोई दिखा नहीं, तो मैंने सोचा यार ऐसे तो बैठे रहूँगा, सारे बंदे मर जाएंगे, मेरे को कुछ ना कुछ तो यार मतलब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कूदा गाड़ी में बैठा, और जैसे ही गाड़ी में बैठा मेरे को गाड़ी के बगल में एक गली दिखाई दी, मैं नीचे कूदा। उसने मेरे को नॉक कर दिया, मतलब उसने स्प्रे ही नहीं रोका साले ने, क्या ही कंट्रोल था। फिलहाल जो भी हो, मेरे टीममेट को देखो ऊपर बैठा हुआ है, भाई कुछ तो एफर्ट डाल अपने स्ट्राइकर को बचाने के लिए। भाई देख, माना कि छत पे होल्ड कर रहा है, अगर मैं होता मैं होल्ड करता, उनको रश नहीं करने देता और अपने टीममेट को ऊपर आने देता, बट भाई जब तुमने किल इसे ही नहीं कर रखे, तुम्हारा सिर्फ एक टीममेट है जो एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है, जो कि सबको मार रहा है, तो उसको बचाओ यार। और वो नीचे कूद गया मेरे को बचाने के लिए, जबकि वो नीचे से पुश कर रहे थे। फिलहाल जो भी हो, लकली यहाँ पर पता नहीं क्या उसका IQ अच्छा चला गया, तो वो मेरे को ऊपर बचाने आया। अब यहाँ पर मैंने बोला भाई इधर नहीं, इस तरफ TPP ले, वो ऊपर रश करेंगे तो TPP लेके मार दियो, लेकिन भाई ने पूरा मेरे को रैप दिया पता नहीं क्यों। लकली उन दोनों बॉडमों ने मेरे ऊपर पुश नहीं करा, तो यहाँ पर मेरे को एक चांस मिला। अब ये पता नहीं क्या कर दिया यार, अब रेलिंग पर चढ़ा नहीं जाता आसानी से। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं हल लगा रहा था और बस उम्मीद कर रहा था कि हाँ मत जाना भाई, मत आना अभी मत आना, लेकिन वो आए नहीं। अपना टीममेट भी प्रोन था, मैंने यहाँ पर एक नेट डाल दिया, नेट एक वजह से डाला था फॉर कंकशन, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं हेल्थ लगाते ही नीचे कूदूंगा, और अगर वो ऑलरेडी कंकशन रहेंगे तो उनको पता नहीं रहेगा मैं नीचे कूद गया, जो कि एडवांटेज रहेगा, और वही हुआ मेरे लिए। अब एक को मैंने नॉक कर दिया था, दूसरा बहुत ज़्यादा डैमेज था, हेल्थ लगा रहा था, और इसको भी आसानी से ख़त्म कर दिया। भाई देखो, उन्होंने मेरे को कूदते हुए तो नहीं सुना था, बट मेरे फुटस्टेप सुन लिए थे, तो प्री फायर दिया था लॉन्डो ने, बट यू नो आई एम बेटर। फिलहाल जो भी हो, अब मैंने टीममेट को वहीं छोड़ दिया, बिकॉज जो मेरे पास गाड़ी थी भाई वो कभी पधा ही सी थी, उसमें ना फ्यूल था ना ही हेल्थ थी, मतलब हेल्थ भी बहुत डैमेज थी, तो मैं उसको रिस्क में नहीं डाल सकता था, उसका चिकन डिनर चला जाता मेरी पागलपने के चक्कर में। तो मैं अकेले बंदे ढूंढने आया, यहाँ पर मैं जा ही रहा था कि मेरे को हल्का सा किसी का प्रोन होकर सरकने का साउंड आया, तो मैंने दोबारा चेक करा कमांडर भाई साहब, घर में एक बंदा। तो मैंने जैसे ही गाड़ी ठोकी मैं उतरा, मैंने एक नेट लिया हाथ में, नेट जैसे ही थ्रो करा बंदा जस्ट दूसरी तरफ कूदा, तो मैं दूसरी तरफ उसको ढूंढने गया कि वो घर के अंदर आ गया, मेरे को जैसा फुटस्टेप आया। अब मैं अंदर गया घर के उसको मारने के लिए, बट ही वॉज नॉट देयर, तो मैं बाहर निकला और भाई ये बंदा गाड़ी में। मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में, ये तुम लोग कमेंट बताओ मेरे को ये क्या था। फिलहाल जो भी, उसके बाद मैंने एक नई गाड़ी उठाई, टीममेट को गाड़ी में फिर से भरा और बंदों को ढूंढने लगे, लेकिन बंदों ने हम ही को ढूंढ लिया। अब देखो, उनके पास ग्रोजा थी, M4 थी, तो
में भी AWM भी हो सकती थी, तो मतलब इन लोगों को मजाक में नहीं ले सकते थे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि मेरे पास भी AWM थी, तो इसका मतलब मैं मजाक में ले सकता हूँ इनको, मतलब समझ रहे हो ना। फिलहाल यहाँ पर मैं आया ढूंढने, तो बंदा फ़ौरन कवर में चला गया, लेकिन दूसरे ने पीक दी और मैंने, तुम जानते हो यार मैं रख देता हूँ, आमतौर पर मैं रख ही देता हूँ, बहुत बुरा दिन होता है तो ही चूकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं खुला पुश कर रहा था, बिकॉज मेरे को अपने पर फुल कॉन्फिडेंट था कि वो पीक देगा तो मैं मार दूंगा। उसने पीक नहीं दिया, लेकिन उसके टीममेट को मैंने धर दिया आम से और वो फिनिश भी हो गया। अब यहाँ पर मैं ओपन में जा रहा था, एकदम ओपन में, उसने कभी मेरे ऊपर फायर नहीं करा, मैंने उसे कभी भी आगे वाले पत्थर पे आते हुए नहीं देखा, क्योंकि अगर वो आगे वाले पत्थर पे आता तो फौरन मेरे ऊपर फायर करता, जो कि मैं करता, लेकिन वो था नहीं, तो मैं सोचा वो अभी भी पीछे वाले पत्थर पे है, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन जो भी हो, मैंने ठोक दिया, कहते इजी चिकन डिनर।